वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, असमंजस की बात है नहीं, लेकिन ये भाजपा की जो सोच है ना, जैसे हम कहते थे यू टर्न, ये वो, ये विचलित रहते हैं। अब चुनाव आ गया है और विचलित हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन मीटिंग में बैठा, फैसला हुआ, इनको कुछ मालूम नहीं, अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं मालूम कि मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन की और फैसला आ सकता है। उसके बाद पता नहीं किस निद्रा में थे, कुछ दिन बाद जाके पता चला छुट्टियां हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। मुझे वैसे लगता नहीं है अब कुछ ऐसा हो सकता है, और इसमें तो साफ दिख भी गया, विचलित भी हैं और घबराए हुए भी, दोनों बात है। चुनाव को किसी तरह से सोच रहे हैं कि आगे हो जाए, ओपन हो जाए, क्या हो जाए। 90 के 90 हलकों में होती है। देखो ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि मेरा गांव वहां पर है, मेरा गृह क्षेत्र है, तो वहां के लोगों का वैसे तो सब जगह लगाव है, आपने देखा वहाँ के लोगों का एक अलग अपनापन और घर की बात तो होती है, तो उनकी उनकी भावनाएं, उनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ। लेकिन मैं फिर यही दोहराऊंगी कि जो हाईकमांड फैसला करेगी मेरे बारे में वो मान्य होगा। सबसे पहली जरूरत जो देश की है वो है कास्ट सेंसस की। ये राहुल जी की कमिटमेंट है कि हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस करेंगे। और अब जो अब भी होने वाला है सेंसस होने वाला है, हमारी डिमांड है सरकार से, भाजपा सरकार से, कि वो कास्ट सेंसस करे।